डी ए स्टूडेंट्स नो वी आर गोइंग टू डिस्कस टेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स टू अवॉइड अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमने ये देखना है कि उस एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं लेकिन हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया लेकिन उसके बाद टेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मिस्टेक्स इसका ये मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये वो मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली कमिट की जाती हैं बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो कौन कौन सी हैं अगर इनसे अवॉइड किया जाए तो रिपोर्ट ज़्यादा अफेक्टिव डिवेल्प की जा सकती है अकॉर्डिंग टू विलियम आर जूनियर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल शुड अवॉइड द फॉलोइंग कॉमन मिस्टेक्स नंबर वन फेलिंग टू इन्वेस्टिगेट नियर मिसिस टेकिंग इन इफेक्टिव कुरेक्टिव एक्शन अलाउंग योर वाइसिस टू कलर द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फीलिंग टू इन्वेस्टिगेट इन अ टाइमली मैनर इसमें पहले दो तो कॉमन स्टेटमेंट्स हैं जो थर्ड स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर हम इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के अंदर अपनी ओपिनियन डाल देते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन फैक्ट एंड फिगर पर बेस होनी चाहिए इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन है वो टाइमली होनी चाहिए अगर आप इन्वेस्टिगेशन टाइमली नहीं कह रहे डिले कर रहे हैं जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड सम टाइम बट नॉट ऑल दाइम लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर वहां पर श्वाहद ही खत्म कर दिए जाए देन वट यू विल डू इन दैट सिचुएशन तो कोशिश करें जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है उसी वक्त इन चीजों को देखें अगर उसमें डिले हो जाता है तो चांसेस हैं कि आपके जो फैक्ट हैं वो मिस हो सकते हैं फेलिंग टू अकाउंट फॉर ह्यूमन नेचर व्हेन कंडक्टिंग इंटरव्यूज जिस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी पर्सनालिटी बिहेवियर एटीट्यूड कैसा है आपको एलम नहीं है आपने उसका वक्त नहीं गुजारा कुछ लोग नेगेटिव माइंडेड होते हैं कुछ पॉजिटिव माइंडेड होते हैं कुछ इन दोनों एस्पेक्ट का मिक्सचर होते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी आपको इन्वेस्टिगेशन में लोग सम टाइम ये बाइसनेस शो कर जाते हैं फेलिंग टू लर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सम टाइम नॉट ऑल द टाइम सम टाइम वाकफ नहीं होता इस वजह से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम्प्रेंसिव वे में डिजाइन नहीं की जा सकती अलाउंग पॉलिटिक्स टू एंटर इन टू इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिक्स एंटर हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में बैठ के आप डिस्कशन कर लेते हैं फिर उस बेस को आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा बना देते हैं तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फेलिंग टू कंडक्ट एन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन आपको इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करनी चाहिए तमाम पैरामीटर को कवर करना चाहिए ताकि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन आप कर सकें लेकिन होता क्या है आप इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन के बजाय सिर्फ फ्यू फैक्ट के ऊपर या सिलेक्टिव सैंपल के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं तो यू हैव टू टेक इन टू कंसिडर ऑल दो फैक्टर्स अलाउंग गोल टू एंटर इन टू एन इन्वेस्टिगेशन आपके जहन में कुछ गोल होते हैं अलाउंग कन्फ्लिक्ट गोल और वो कन्फ्लिक्ट का बायस बन सकते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में गैप है दैट इज द रीज़न फॉर कन्फ्लिक्शन टू एंटर इन टू एन इन्वेस्टिगेशन और वो जो आपके जहन में कन्फ्लिक्ट वो इन्वेस्टिगेशन का आप हिस्सा बना देते हैं जिस वजह से रिपोर्ट एक्यूरेट डेवलप नहीं हो पाती और लास्ट फेलिंग टू अकाउंट फॉर द फैक्ट ऑफ अनकोऑपरेटिव पीपल कोऑपरेटिव पीपल नहीं होते जो प्राइमरी विटनेस हैं सेकेंडरी विटनेस हैं टेरेटरी विटनेस हैं ये थ्री तीन तरह के लोग हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है वो लोग आपसे कोऑपरेट नहीं करते इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो इस वजह से भी आपकी जो रिपोर्ट है वो बाइसनेस का बायस बन सकती है दीज टेन मिस्टेक्स विल प्रॉबेबली नेवर बी कम्पलीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम एवरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर आप कहें कि ये जो बाइसनेसिस की रीजन है ये दस हम हंड्रेड परसेंट खत्म कर दें तो ऐसा हो नहीं सकता हाउ एवर इफ सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोफेशनल आर अवेयर ऑफ दैम दे कैन एटलीस्ट एंड शो देट सच मिस्टेक्स आर मिनिमाइज अगर वो इनसे फेमिलियर हैं तो रिपोर्ट के वक्त इनको काफ़ी हद तक वो काम कर सकते हैं द फ्यूअर ऑफ दिज मिस्टेक्स दैट आर मेड ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन दैटर द क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टिगेश मोर लाइकलीट इज विलीड अफेक्टिव कुलटिव एक्शन अफेक्टिव कलेक्टिव एक्शन लेने के लिए इन टेन पॉइंट से जितना बचा जा सके उतनी ही आपकी रिपोर्ट बेहतर वे में डिवेल्प और डिजाइन हो सकती है